और इसके लिए हमने दो योजनाएं बनाई है, एक शॉर्ट टर्म योजना जिसके तहत मनरेगा के अंतर्गत हम लाखों मजदूरों को, लगभग कल 13 लाख मजदूरों को हमने रोजगार दिया था। हमने निर्माण की बाकी गतिविधियां भी शुरू की है जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, अनेकों रोजगार के अवसर सृजित किए हैं, हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके एक ऐसी योजना की जरूरत भी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि जो नए रोजगार के अवसर सृजित करे। और आज पूरी दुनिया में, विशेषकर चीन जैसे देशों से, कई लोग अपने उद्योग दूसरे देशों में स्थानांतरित करना चाहते हैं। कोरोना हमारे लिए चुनौती भी है, लेकिन उस चुनौती को हमने अवसर में बदलने का फैसला किया है। और अवसर में बदलने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने की है। अगर हमको रोजगार के नए अवसर सृजित करना है तो निवेश लेके हमें मध्य प्रदेश में भी आना पड़ेगा। निवेश, निवेश से रोजगार, रोजगार मजदूरों को भी, रोजगार युवाओं को भी, इस संभावना का हमें पूरी तरह से दोहन करना पड़ेगा। और इसलिए उद्योग जगत भी कई दिनों से श्रम सुधारों की मांग कर रहा था। ये श्रम सुधार मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए, नए मजदूरों को भी, नए उद्योगों में मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए जरूरी हो गए थे। लाल फीताशाही के कारण कई नियमों के मकर जाल में निवेशकों को फंसना पड़ता था। हमने उनको उससे मुक्त करने का फैसला किया है। यह अवसर है जब हम अपने नियमों को समय की जरूरत के मुताबिक बदलें, उनका सरलीकरण करें, उनको सरल बनाएं, ताकि देश और विशेषकर दुनिया से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो रहे उद्योगों को हम अपने प्रदेश में ला सकें। और इसलिए हमने श्रम कानूनों में, लेबर लॉज में समय के अनुरूप व्यापक किया है। जब श्रम कानूनों में सरलता होगी, नए उद्योग फिर आसानी और सरलता से हमारे यहां लग सकेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और श्रमिकों के हितों की रक्षा भी होगी। उद्योग जगत और श्रमिकों के बीच भी एक विश्वास का वातावरण बन सकेगा। इसलिए श्रम सुधारों का अगर उद्देश्य कोई है तो पहला, नए रोजगार के अवसर सृजित करना, नौजवानों को, मजदूरों को रोजगारी आज की महती आवश्यकता है। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को, औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, नए निवेश को मध्य प्रदेश में आमंत्रित करना, हमारे मजदूरों के, श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, लेबर लॉज में कई बार शासकीय प्रक्रियाओं के कारण पारदर्शिता नहीं थी, कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो शासकीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना,
कोविड महामारी से प्रभावित उद्योगों एवं व्यवसायों को, व्यापार को पुनः पटरी पर लेकर आना, आर्थिक क्षेत्र की चुनौतियों को अवसर के रूप में परिवर्तित करना, और इसलिए मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है क्रांतिकारी श्रम सुधारों के क्षेत्र में। अब पंजीयन या लाइसेंस उद्योग के लिए, निवेश के लिए, दुकानों के लिए, ठेकेदारों के लिए, बीड़ी निर्माताओं के लिए केवल एक दिन में किया जाएगा। पहले विभिन्न लेबर लॉज के अंतर्गत पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन 30 दिन में जारी किया जाता था, अब इस अवधि को घटाकर केवल एक दिन कर दिया गया है, ताकि निवेशकों को, व्यवसायियों को अनावश्यक चक्कर ना लगाना पड़े। और इसके कारण कारखाने, दुकानें, कॉन्ट्रैक्टर, मोटर परिवहन कर्मकार, मध्य प्रदेश भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली निर्माण एजेंसियों का पंजीयन या लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही केवल एक दिन में ही हो सकेगी। और इस संबंध में हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट के अंतर्गत संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर संबंधित अधिकारी एक दिन में पंजीयन नहीं करेगा तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में जिसका पंजीयन होगा उसको देना पड़ेगा। कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण, फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल, अब एक साल के बजाय 10 साल में कराए जाने का प्रावधान किया है। हर साल रिन्यूअल की जरूरत क्या है, एक साल के बाद फिर चक्कर लगाओ। इससे हमने मुक्त कर दिया है, अब एक बार रिन्यूअल करा लिया तो 10 साल तक फिर रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं होगी। ठेका श्रम अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष के स्थान पर अब संपूर्ण ठेका अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। नहीं, बार बार लाइसेंस के लिए जाइए और परेशान होइए, इससे मुक्त कर दिया गया है। नए कारखानों का रजिस्ट्रेशन, पंजीयन या लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन होगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन लाइसेंस या पंजीयन जारी कर दिया जाएगा। स्टार्टअप उद्योगों को प्रोत्साहित करने के तो उन्हें केवल तो आप सुन रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने कहा कि कोरोना हमारे लिए चुनौती है जिसे हमें अवसर में बदलना होगा। और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्रम जो कानून है उसमें सुधार किए जाएंगे और साथ ही नौजवानों को रोजगार भी दिया जाएगा और श्रम कानूनों में सरलता लाई जाएगी और साथ ही इसमें पारदर्शिता भी लाई जाएगी। और आपको बता दें कि अब जो पंजीयन होता था
मजदूरों का वो सिर्फ एक ही दिन में होगा। आपको बता दें कि इससे पहले 30 दिन का समय लगता था, जिसको अब कम करके एक दिन कर दिया गया है। अधिसूचना जारी कर दी गई है इस महत्वपूर्ण संशोधन से। एक ओर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, निर्मित होंगे, और दूसरी ओर दुकानों में अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सकेगा। कोविड महामारी के दौरान कारखानों में कार्य करने की पालियों की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है, बशर्ते श्रमिक काम करना चाहे। सप्ताह में 72 घंटे तक ओवर टाइम की अनुमति प्रदान कर दी गई है, लेकिन अतिरिक्त अवधि में श्रमिकों को नियमानुसार ओवर टाइम देना होगा। कारखाना नियोजक उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनी सुविधानुसार शिफ्टों में भी परिवर्तन कर सकेंगे। इस संबंध में फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। कारखानों में कार्य की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए श्रम कानूनों के अंतर्गत 61 रजिस्टर रखने और 13 रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान था। मैं तो सोचता था कि 61 रजिस्टर रखने का औचित्य क्या है, आखिर एक ही कारखाने से 13 रिटर्न क्यों भरवाए जाए, दाखिल करवाए जाए। और इसलिए अब 61 रजिस्टर और 13 रिटर्न दाखिल करने के स्थान पर केवल एक ही रजिस्टर रखने और एक ही रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। रिटर्न फाइल करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन ही पर्याप्त होगा, स्व प्रमाणन की व्यवस्था कर दी गई है। एम्प्लॉयर मतलब नियोजक स्वयं अपने द्वारा चुने गए तृतीय पक्ष के निरीक्षकों से मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अपने कारखानों का निरीक्षण करा सकेगा। इंस्पेक्टर राज्य से उसको पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है, यानी तो लगातार निरीक्षणी इंस्पेक्टरों का चलता रहता था और अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। थर्ड पार्टी के निरीक्षकों को रजिस्टर कराने का, पंजीकृत कराने का काम पहले मुंबई में होता था। अब मुंबई में क्यों हो, अब हमने मध्य प्रदेश के लेबर कमिश्नर को इस कार्य के लिए अधिकृत कर दिया है, क्यों मुंबई जाएं? अपने प्रदेश में ही रजिस्टर, अपने प्रदेश में ही पंजीकरण, निरीक्षक को पंजीकृत करने का कार्य किया जाएगा। 50 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाली संस्थाओं को विभिन्न श्रम कानूनों में निरीक्षण की परिधि से बाहर कर दिया गया है। कुटीर उद्योग, छोटे मोटे उद्योग, वो निरीक्षण से ही परेशान रहते थे, और इसलिए जो छोटे उद्योग हैं उनमें निरीक्षण नहीं होगा। अब उनमें निरीक्षण केवल लेबर कमिश्नर की अनुमति या वहां से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो प्राप्त शिकायत के आधार पर ही हो सकेगा। रोज रोज इंस्पेक्टर निरीक्षण करने नहीं जाएंगे।
मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के प्रावधानों को आगामी आदेश तक शिथिल कर दिया गया है। अब कारखाने में ट्रेड यूनियन तथा कारखाना प्रबंधक अपनी सुविधा अनुसार विवादों का निराकरण कर सकेंगे। उन्हें विवादों के निराकरण के लिए लेबर कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। पूर्व से प्रचलित उद्योगों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम अंतर्गत दंड की विभिन्न धाराओं में कंपाउंडिंग का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे अनेक विवादों का निराकरण बिना न्यायालय जाए ही किया जा सके। इस संबंध में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। प्रदेश में जो नए उद्योग आने वाले हैं, उनको आमंत्रित करने, उनके निवेशकों को आमंत्रित करने की दृष्टि से अगले 1000 दिनों में नए उद्योगों और निवेशकों को आमंत्रित करने की दृष्टि से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 को छोड़कर जो श्रमिकों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण चीजों से संबंधित है, शेष सभी प्रावधानों को शिथिल कर दिया गया है। तनख्वाह ठीक से मिले यह सुनिश्चित करते हुए अब उद्योग मालिक अपनी सुविधा अनुसार श्रमिकों का चयन कर सकेंगे। ऐसे उद्योग जहां 100 से कम श्रमिक कार्य करते हैं, वहां मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे दी गई है। अब हमारे अधिकांश एमएसएमई उद्योग अपनी आवश्यकता के अनुसार श्रमिक रख सकेंगे, ताकि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। औद्योगिक नियोजन अधिनियम कानून अब तक 50 से अधिक श्रमिक वाली स्थापनाओं पर लागू होता था, अब इसे बढ़ाकर 100 से अधिक श्रमिक वाली स्थापनाओं पर लागू कर दिया गया है। इससे छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी और वो अपनी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को नियोजित कर सकेंगे। वे श्रम सुधार जिनके प्रस्ताव हमें भारत सरकार भेजना था स्वीकृति के लिए, वो हमने भारत सरकार को भेजे हैं। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो इकाइयां बिजली से चालित है, वह पूर्व में 10 श्रमिक नियोजित करने पर उद्योगों को पंजीयन कराना पड़ता था, अब हमने 50 श्रमिक नियोजित करने पर पंजीयन कराए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। इसका लाभ यह होगा कि ऐसी सभी इकाइयों को फैक्ट्री एक्ट के प्रावधानों से आजादी होगी और वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए उत्पादन बढ़ा सकेंगे। इसी प्रकार कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो इकाइयां बिना बिजली के चलती हैं, वहां पूर्व में 20 श्रमिक नियोजित करने पर उद्योगों को पंजीयन कराना पड़ता था, अब हमने श्रमिकों की संख्या की सीमा हटाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। उक्त संशोधनों से छोटे उद्योगों को कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराने से मुक्ति मिलेगी। ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदारों को अभी तक 20 श्रमिक नियोजित कराने पर पंजीयन कराना पड़ता था, अब 50 श्रमिक या उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने पर ही
पंजीयन कराना पड़ेगा। इसी प्रकार 50 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार बिना पंजीयन के भी कार्य कर सकेंगे। इससे छोटे ठेकेदारों को अत्यधिक राहत मिलेगी। ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त अनुसार छूट दिए जाने के संबंध में भी भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। कारखाना अधिनियम के सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को रखते हुए शेष सभी प्रावधानों को राज्य सरकार के द्वारा जो हमारे अधिकार क्षेत्र में था 3 माह के लिए शिथिल किया गया है। 1000 दिन के लिए शिथिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। ठेका श्रम अधिनियम, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम तथा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाहियों का समझौते से निराकरण करने के लिए कंपाउंडिंग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। औद्योगिक विवाद अधिनियम को 100 श्रमिकों वाली स्थापना के स्थान पर 300 श्रमिकों वाली स्थापना पर प्रभावशील किया गया है। उद्योगों एवं स्थापनाओं में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की सुविधा दी गई है। लेबर लॉज के अंतर्गत निरीक्षण की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया गया है। विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की गई है। महिला श्रमिकों को कारखानों तथा आईटी उद्योगों में रात्रिकालीन पाली में भी कार्य करने की अनुमति पहले से है। विभिन्न लेबर लॉज के अंतर्गत पंजीयन एवं रिटर्न दाखिल करने की समस्त प्रक्रियाएं हमने ऑनलाइन कर दी है। पंजीयन एवं रिटर्न दाखिल करने के लिए श्रम कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन सुधारों से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा, निवेश आकर्षित होगा, युवाओं को, बेरोजगारों को, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की आर्थिक गति तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रबंधन और श्रमिकों के मध्य परस्पर सहयोग का वातावरण निर्मित होगा। कारखाना मालिक एवं दुकानदारों तथा उद्योगपतियों को शासकीय कार्यालयों में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उद्योगों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों में अनावश्यक सरकारी विभागी हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। निरीक्षण में पारदर्शिता आएगी। उद्योगों को अपनी सुविधा के अनुसार शिफ्ट में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। श्रम सुधारों के माध्यम से जो श्रमिक हैं उनके हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। श्रमिकों के स्वास्थ्य, उनकी आजीविका, रोजगार एवं सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। ये प्रयास है चुनौती को अवसर के रूप में बदलने का,
निवेश लाएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे और आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश को आगे और बढ़ाएंगे।